नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इसके हिसाब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस पेपर वन का सेक्शन वन। ठीक है, भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का पार्ट वन फोर शिक्षा से क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपका आज का क्वेश्चन होगा। आधुनिक बिहार में शिक्षा एवं प्रेस के विकास की व्याख्या कीजिए एवं स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा और प्रेस की भूमिका बताइए। ठीक है, और आपका 40वें बीपीएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो आपका आधुनिक शिक्षा में भी है, आधुनिक बिहार में शिक्षा एवं प्रेस के विकास की व्याख्या कीजिए एवं स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा और प्रेस की भूमिका बताइए। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने का जो आंसर है, बिहार में शिक्षा एवं प्रेस के विकास की चर्चा करें एवं स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा एवं प्रेस की भूमिका का उदाहरण बताइए बताइए। ठीक है, तो भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ, तो भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ 1835 में घोषित नई शिक्षा नीति के बाद हुआ, और 1835 में पूर्णिया, बिहार शरीफ एवं भागलपुर में अंग्रेजी विद्यालय खुले, बाद में पटना, आरा, छपरा आदि में जिला स्कूल भी खुले था। ठीक है, तो भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ 1835 में घोषित नई शिक्षा नीति के बाद हुआ, और 1835 में पूर्णिया, बिहार शरीफ एवं भागलपुर में जो है अंग्रेजी विद्यालय खुले, बाद में पटना, आरा, छपरा आदि में जिला स्कूल खुले। अंग्रेजों के काल में, तो अंग्रेजों के काल में बिहार में तकनीकी शिक्षा का विकास ज़्यादा नहीं हुआ, परंतु आधुनिक शिक्षण संस्थान जरूर खुले। ठीक है, 1917 में, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पटना कॉलेज में 1919 में भौतिकी और रसायन विज्ञान विभाग खोले गए विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के लिए। 1928 में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना हुई, और 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, और 1947 में दरभंगा में एक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की स्थापना हुई। ठीक है, तो 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल और 1947 में दरभंगा में एक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की स्थापना हुई। वर्तमान में, तो वर्तमान के झारखंड के धनबाद जिला में, तो वर्तमान के झारखंड के धनबाद जिला में 1925 में केंद्रीय खनन संस्थान खोला गया, और वर्तमान में बिहार में 18 विश्वविद्यालय, 15 इंजीनियरिंग कॉलेज, 10 मेडिकल कॉलेज, 6 कृषि महाविद्यालय एवं एक प्रबंधन संस्थान है, और इसके अतिरिक्त बिहार में और कुछ नए नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित हुए। ठीक है, बिहार में प्रेस का विकास लगभग 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ। गुरु प्रसाद सेन ने बिहार से पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 में शुरू किया। ठीक है, उसके बाद 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। राष्ट्रवादियों द्वारा द मदरलैंड, बिहार स्टैंडर्ड, द बिहारी और द बिहार टाइम जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया। ठीक है, तो बिहार में प्रेस का विकास लगभग 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ। गुरु प्रसाद सेन ने बिहार में से पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 में शुरू किया, और उसके बाद 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। राष्ट्रवादियों द्वारा द मदरलैंड, बिहार स्टैंडर्ड, द बिहारी एवं द बिहार टाइम जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया। 1918 से द सचलाइट का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 1985 में, तो 1985 में पटना से हिंदुस्तान टाइम, 1985 में पटना से हिंदुस्तान टाइम का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। मजरूल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया। बिहार का पहला हिंदी अखबार, तो बिहार का पहला हिंदी अखबार बिहार बंधु था, जो पहले कलकत्ता से एवं 1924 में पटना से प्रकाशित हुआ। ठीक है, 1941 में, तो 1941 में आर्यवर्त समाचार पत्र एवं 1947 में प्रदीप का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन, तो स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस एवं शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस एवं शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बिहार के लोग आत्मसम्मान, देशभक्ति, स्वतंत्रता, समानता जैसी चीज़ों को जानने समझने लगे। ठीक है, पश्चिमी देशों में होने वाले आंदोलनों से परिचित हुए एवं उनकी तुलना खुद से करने लगे। फलस्वरूप यह आधुनिक शिक्षा प्राप्त मध्य वर्गीय तबका संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहा। प्रेस ने भी राष्ट्रवाद की भावना को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और अनेक प्रतिबंधों के बावजूद प्रेस राष्ट्रवादियों के विचारों को व्यक्त करने के माध्यम में बने एवं आधुनिक विचारों को जन सामान्य तक पहुँचाने का कार्य किया। की टू रिमेंबर, तो इस क्वेश्चन को करने का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ 1835 में घोषित नई शिक्षा नीति के बाद हुआ। 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 1928 में पटना साइंस कॉलेज,
1925 में पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की स्थापना हुई। गुरु प्रसाद सेन ने बिहार से, तो गुरु प्रसाद सेन ने बिहार से पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेरल्ड का प्रकाशन 1875 में प्रारंभ हुआ किया। बिहार का पहला हिंदी, तो बिहार का पहला हिंदी जो है अखबार बिहार बंधु था, जो पहले कलकत्ता में एवं बाद में 1974 में पटना से प्रकाशित हुआ। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल, 1941 में आर्यभट्ट, और 1985 में पटना से हिंदुस्तान टाइम्स प्रारंभ हुआ, 1980 में सचलाइट, और 1947 में द प्रदीप का प्रकाशन आरंभ हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का जो आपका क्वेश्चन। कल हमारा क्वेश्चन नंबर 64 होगा, जो कि आपका पाँचवा क्वेश्चन होगा शिक्षा से। ठीक है, तो बंगाल से बिहार के अलग होने एवं आधुनिक बिहार के उदय पर प्रकाश डाली, आपका 40वां BPSC 2005 का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सो कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।